वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का पैरामीटर देखेंगे हम लोग, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक। टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक इसको हम डिनोट करेंगे VOOT से, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक। इसमें व्हेन द टेम्परेचर एंड पावर सप्लाई वोल्टेज आर फिक्स्ड, द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ द गेन ऑफ एन ऑप एम्प। यहाँ पे जब टेम्परेचर और पावर सप्लाई वोल्टेज ये फिक्स लेवल पे रहते हैं, उसकी फिक्स वैल्यू पे रहते हैं, तो जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है ये फंक्शन ऑफ द गेन ऑफ द ऑप एम्प का रहता है। द गेन ऑफ एन ऑप एम्प विद द फीडबैक ये हमेशा विदाउट फीडबैक से कम रहता है। Gain of an op amp with the feedback is always less than that of the without feedback. The output offset voltage with the feedback VOOT is always be smaller than the without feedback. Without feedback से हमेशा कम रहता है, इसलिए VOOT को हम इस तरह लिखेंगे, total output offset voltage with the feedback is equal to the total output offset voltage without feedback. Total output offset voltage without feedback divided by 1 plus AB. ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की, मतलब जो विद द फीडबैक है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज द रेशियो ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विदाउट फीडबैक टू द 1 plus AB। और टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विदाउट फीडबैक हमारे पास है प्लस माइनस सैचुरेशन वोल्टेज, पॉजिटिव और नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज डिवाइड बाय द 1 plus AB। ये हो गया हमारा टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विद द फीडबैक। और टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विदाउट फीडबैक जो है वो रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज डिवाइड बाय द 1 plus AB। यहाँ पे ये प्लस माइनस बी सेट जो है वो सैचुरेशन वोल्टेज है, एज पर द पोलैरिटी प्लस और माइनस उसकी वैल्यू होगी। ए जो है वो ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ द ऑप एम्प है और बी जो है गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट है। अगर बी जो गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट है वो हमारे पास है यहाँ पे R1 divided by R1 plus RF, जो फीडबैक सर्किट का जो गेन है उसकी वैल्यू है हमारे पास R1 divided by R1 plus RF, तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑप एम्प विदाउट फीडबैक कैन बी आइदर पॉजिटिव रीसेट और आइदर द नेगेटिव रीसेट, बिकॉज द वेरी हाई गेन वोल्टेज ऑफ द ए की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा रही तो आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प का जो आउटपुट है यहाँ पे विदाउट फीडबैक वो हमें मिलेगा पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा और द नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। इसलिए जो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है इसकी जो इक्वेशन है ये सेम रहेगी, ये टोटल आउटपुट ऑफसेट की इक्वेशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज डिवाइड बाय 1 plus AB ये सेम रहेगी फॉर द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, बिकॉज इनपुट वोल्टेज इज रिड्यूस टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वो जीरो तक रिड्यूस हो जाता है फॉर द बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स। इसलिए जो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है फॉर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए उसके लिए जो इक्वेशन है जो सर्किट है वो सेम रहेगा।